आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The question is read the following information about a phytohormone and identify it. तो तीन स्टेटमेंट दी गई हैं ये स्टेटमेंट हमारी किस फाइटोहॉर्मोन की रिगार्डिंग दी गई हैं, किस फाइटोहॉर्मोन से रिलेटेड है वो हमें देखना है और उस और उस फाइटो हॉर्मोन को आइडेंटिफाई करना है दे कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव शेप एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दे आर यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री दे आर यूज टू कन्वर्ट जेनेटिकली प्लांट डू टॉल प्लांट्स तो एक करके ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन मेनली हमारा रिस्पांसिबल है एपिकल डोमिनेंस के लिए अब एपिकल डोमिनेंस क्या होगा जो मेन सेंट्रल स्टेम होगी वो डोमिनेंट होती है लेटरल स्टेम से ओके okay? और उसके अलावा ये हमारा रिस्पांसिबल है जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए ओके ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है तो ये हमारा मेनली एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिबरलिन की बात करें ओके okay? जिबरलिन या हम बोल सकते हैं जीए तो ये हमारे जो हार्मोन हैं वो मेनली लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनाडल लेंथ को इंक्रीज करते हैं ओके okay? उसके साथ साथ ये जो हार्मोन है वो माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीडअप करेंगे ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर ओके okay? माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं और हम इनके फंक्शंस देखें तो बोल्टिंग को प्रमोट करेंगे इनको बोल्टिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है तो ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है कि अलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है माल्टिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं और डॉर्फ प्लांट को टॉल प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट जिबरलिन से रिलेटेड है साइटोकाइनिन की बात करें तो मेन जो फंक्शन होता है साइटोकाइनिन का वो है सेल डिवीजन